Why is your thyroid medication not working? A very important question. I've been asked this question by a lot of people. बहुत सी confusion है. So hopefully by the end of this video, you will have understood why your medication is not working or why your doctors keep increasing your thyroxine medication. My name is Adnan Farooq. My website is adnanfarooq.com. Do check it out for some free stuff. And if you're on YouTube, please do subscribe and press the bell icon. Okay, back to the topic. Why medications for thyroid, hypothyroid are not working? The simple answer is that there are two types of thyroid. There is Hashimoto's and then there is hypothyroidism. Now, research हमें बड़ी clearly ये बात बता रही है कि 70 to 90 cases जिसमें हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं, जिसके अंदर वेट गेन है, बालों का गिरना है, एक्सट्रीम फटीग है एंड होस्ट ऑफ मेनी अदर सिम्टम्स. ये सिम्टम्स मैच करते हैं हाशिमोटोस के भी और हाइपोथायराइडिज्म के. सो अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू थिंक इवन डायग्नोसिस में भी, मेडिकल डायग्नोसिस में हाइपोथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट के ऊपर काम शुरू हो जाता है जिसमें आपको मेडिकेशन दी जा रही है. नाउ research is telling us that 70 to 90% of the cases are actually Hashimoto's, which is autoimmune hypothyroidism, जिसका मतलब ये है कि your thyroid gland के अंदर problem नहीं है. इस case में thyroid gland के अंदर problem है, but in this case your thyroid gland is absolutely fine. The only problem is the autoimmune attack on your hypothyroidism. So अगर आप इस केस में, जो कि 70 to 90 केसेस हैं, यानी कि मेजॉरिटी केसेस हाशिमोटोस के हैं, हाइपोथायराइडिज्म के नहीं हैं, तो अगर आप यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, जो कि मोस्ट लाइकली आप कर रहे होंगे, तो आप थायराइड की मेडिकेशन खा रहे हैं which is not working, and the reason for that is you are not addressing the root cause which is autoimmunity. अब आपका थायराइड ग्लैंड ऑटोइम्यूनिटी से आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ना शुरू कर रहा है. इट्स स्टार्टिंग टू डिग्रेड, इट्स स्टार्टिंग टू गेट फ्रॉम बैड टू वर्स, और उसकी वजह से आपकी मेडिकेशन डॉक्टर अपग्रेड करता जा रहा है बिकॉज आपके TSH और आपके लैब टेस्ट जो थायराइड के हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं. सो द थिंग टू अंडरस्टैंड इज़ दैट इफ़ यू आर फॉलोइंग हेयर, which is most of the cases, then you need to address autoimmunity, and that involves the liver and the gut. कि जब हम लिवर और गट, यानी कि जब इन दो ऑर्गन्स के ऊपर काम करेंगे तो हम ऑटोइम्यूनिटी की जो रूट कॉज है उसको एड्रेस करेंगे. सो थिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव ऑटोइम्यूनिटी देन देयर आर सर्टन फूड्स दैट वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम. वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम व्हीट, वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम बार्ले, राय, एनीथिंग दैट कंटेन्स ग्लूटन. और जब हम उन खानों को कम करते हैं और टारगेटेड विटामिन्स और मिनरल्स के साथ लिवर के ऊपर काम करते हैं और गट हेल्थ को हम प्रोबायोटिक्स और कुछ ऐसे खाने हैं जिससे हम इम्प्रूव करते हैं, योर ऑटोइम्यूनिटी टेंड्स टू गो डाउन. और उससे फिर क्या होता है कि आपकी मेडिकेशन भी बहुत कम होकर आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेशन की तरफ चली जाती है. सो इफ़ यू अंडरस्टूड राइट नाउ द कॉज इज़ नॉट आइडेंटिफाइड प्रॉपरली. आप किसी और चीज़ को लेके और कोई और दवाई खा रहे हैं विच इज़ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सो we need to identify the problem and we need to fix it the right way. So if you've liked this video, do send me your comments. Let me know your thoughts so I can help you with more videos like these in the future.